मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। शिवराज ने जिलों के कलेक्टरों से बात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बचाव कार्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, सरकार आपके साथ है, हर पल हम जनता के साथ खड़े हैं। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना से भी मदद ली जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शिवपुरी में बीते 24 घंटे में 470 मिलीमीटर बारिश, 48 घंटे में 798 मिलीमीटर बारिश हुई है। 200 से ज्यादा गांव शिवपुरी श्योपुर जिले के जलमग्न हो गए हैं। वहीं जल स्तर बढ़ने के चलते मनीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए हैं। शिवपुरी के 22 गांव से अनेक लोगों का रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ग्वालियर चंबल संभाग के जिला कलेक्टर से बात कर स्थिति का जायजा लिया। ग्वालियर कलेक्टर ने बताया कि सुबह एनडीआरएफ टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे एक बस को रेस्क्यू किया है। मोहना करया गांव से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मौसम खराब होने के कारण एयरफोर्स का रेस्क्यू अभियान समय पर शुरू नहीं हो पाया। उधर शिवपुरी जिला कलेक्टर ने बताया कि 100 लोगों को आज सुबह बचा लिया गया है। श्योपुर कलेक्टर ने बताया कि पोहरी और कोलारस क्षेत्र में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। डोंगर बीची गांव में लोग पेड़ पर फंस गए, वहां बोट ऑपरेशन किया गया, जहां कलेक्टर श्योपुर ने बताया कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। लखनऊ से एक एनडीआरएफ की टीम श्योपुर पहुंच गई है। दतिया कलेक्टर ने बताया कि 6 गांव में पानी ज्यादा है। मंदिर में फंसे 2 पुजारियों को बोट ऑपरेशन कर बचा लिया गया है। दतिया के ज्यादातर गांव में लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट बांटने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं, विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में। 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर के कुछ गांव में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है, 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। 8 मील तक गई भी, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है, सेना बुला ली गई है। कुल मिलाकर लगभग 200 गांव घिरे हैं। शिवपुरी जिले के बीची गांव में 3 लोग पेड़ पे बैठे हुए हैं, उनको ढाढ़स बधाने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक वहां पानी है, बहाव के कारण बोट नहीं जा पा रही। एयरफोर्स ही वहां रेस्क्यू करेगी। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क बाधित है, इसे ठीक करने का काम जारी है, जिससे लोगों में
संपर्क किया जा सके। बांधों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को कहा है कि सभी बांध सुरक्षित हैं, किसी तरह की अफवाह ना फैले। उन्होंने कहा, हमें अपनी वायु सेना पर गर्व है, आप जैसे ही ऑपरेशन शुरू करें बीची गांव के पेड़ पर रात भर से फंसे 3 लोगों को प्राथमिकता से बचाएं। एयरफोर्स के रेस्क्यू ग्रुप कैप्टन शेरावत ने बताया कि हमारी 5 टीम तैयार हैं, लेकिन बादल काफी नीचे हैं, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। डीजी होमगार्ड ने बताया कि हमारी टीम सभी जिलों में मौजूद है, लोगों को निरंतर बचाने का काम जारी है। बाढ़ से करीब 1,171 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, वहीं अब तक 1,600 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सभी जगह एनडीआरएफ और बचाव के लिए टीम मौजूद है। 200 गांव अभी घिरे हुए हैं, बोट ऑपरेशन जारी है, लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजकर सुरक्षित किया गया है। राहत शिविर भोजन की व्यवस्था की गई है। शिविरों में कंट्रोल रूम से महेंद्र सिंह सिसोदिया और यशोधरा राजे नजर बनाए हुए हैं। शिवराज ने कहा, मैं भी जल्द बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जाऊंगा। शहरावत जी से जो इस रेस्क्यू ऑफिसर को देख रहे हैं, मेरी सीधी चर्चा हुई है। अभी सारे कलेक्टर से मैंने सीधे बात की है। कलेक्टर शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, श्योपुर, हम सबके संपर्क में है। मणिखेड़ा डैम से डैम पूरा भर जाने के कारण पानी छोड़ा गया, जिसे जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रभावित हो सकने वाले गांवों में सतर्क कर दिया गया है। लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। गांव में ही जो गांव घिरे वहां ऊंचे स्थान पर रहे लोग, और राहत की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। केवल ये पेड़ पे और एक मंदिर की छत पर पुजारी जी वगैरह है, उनकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित हैं। गांव में राहत के शिविर, भोजन का इंतजाम, इस सब के निर्देश दे दिए गए। निचले इलाके जो अभी जहां प्रभावित होने की संभावना है पानी छोड़ने के कारण मणिखेड़ा से और भारी बारिश के कारण, उनको सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, मैं लगातार कल से संपर्क में हूं। शिवपुरी में घटना स्थल पर, शिवपुरी में कंट्रोल रूम में हमारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी और वहां के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगातार राहत के कामों को वहां से दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, राजस्व मंत्री और जल संसाधन मंत्री, तीनों मंत्री भी लगातार संपर्क में। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे चिंता ना करें, आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मणिखेड़ा से भी पहले 12,500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब 10,500 छोड़ रहे हैं, कम कर दिया गया है। बारिश का वेग भी थोड़ा कम हुआ है, मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेंगे। मैंने भी सवेरे निकलने की यहां से कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे, और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।